हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे अपकमिंग रेलवे वेरियस वैकेंसीज के बारे में। दोस्तों, जुलाई महीने से आप लोग आवेदन कर सकते हो और बहुत सारे पोस्ट है और हर एक पोस्ट में अलग अलग क्राइटेरिया चाहिए होगा। चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों से रूबरू कराता हूँ और आप लोग अपने इंटरेस्ट में आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी के बारे में मैं आज बात करना चाहता हूँ RPF या फिर RPSF रिक्वायरमेंट के ऊपर। तो इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी नोटिफिकेशन निकल चुका है और आप लोग जो है जुलाई महीने से अप्लाई कर सकते हो RPF SI या फिर RPF कांस्टेबल के लिए। दोस्तों, इसमें टोटल 12,000 से भी ज़्यादा पोस्ट रहेंगे और 12 पास या फिर ग्रेजुएट होने से आप लोग जो है इजीली इसमें अप्लाई कर सकते हो। थोड़ा बहुत फिजिकल है, उसके बाद मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अपना सिलेक्शन पक्का करने के लिए आप लोग जो है चक्षु प्रशासन SRR पब्लिकेशन का बुक RPF या फिर RPSF गाइड बुक यूज कर सकते हैं। और दोस्तों, इस बुक में काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि 5 साल पुराने सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स आपको मिल जाएंगे और यहाँ पे हर एक सिलेबस वाइज और जो न्यू पैटर्न आया है उसके आधारित जो है यहाँ पे आपको सारे टॉपिक भी देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ये बुक मंगवाने के लिए आप जो है Amazon या फिर Flipkart से मंगवा सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इस बुक का लिंक डाल दूंगा, आप लोग इजिली ऑनलाइन पेमेंट या फिर COD करके भी मंगवा सकते हैं। तो दिखाता हूँ आपको सेकेंड वैकेंसी, जो है आपका RRB ग्रुप डी पोस्ट। इसमें सिर्फ आप लोगों को 8 पास, 10 पास या फिर 12 पास होने से आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे पोस्ट क्या क्या रहेगा, ट्रैकमैन, हेल्पर, असिस्टेंट पॉइंट्समैन, सफाई वाला, सफाई वाली, गनमैन, पियोन और एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे पोस्ट है। वैकेंसी में आपको लेके जाता हूँ जो है हमारा RRB ग्रुप सी पोस्ट। इसमें मोस्टली आपका टेक्निकल, नॉन टेक्निकल का पोस्ट भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे टोटल आपको सिर्फ 12वीं पास होना चाहिए विथ 50% मार्क्स चाहिए होगा 12वीं में, और ग्रेजुएशन भी होना चाहिए कुछ पोस्ट में, जैसे कि क्लर्क है, स्टेशन मास्टर है, टिकट कलेक्टर है, कॉमर्शियल है, ट्रैफिक है, इंजीनियरिंग पोस्ट भी है जिसके लिए आप लोगों को IIT या फिर पॉलिटेक्निक होना ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, नंबर 2 में है RRB ग्रुप बी पोस्ट, जिसमें 70% कैंडिडेट्स आर सिलेक्टेड थ्रू अ प्रोसेस ऑफ प्राइमरी बेस्ड एंड 30% थ्रू अ लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एज नोन एज LDCE सिलेक्शन टेस्ट। RRB ग्रुप ए पोस्ट को कंडक्ट करने के लिए UPSC ऑर्गेनाइजेशन इसे कंडक्ट करती है और इसमें जितने भी पोस्ट रहते हैं वो सारे होते हैं आप लोगों का सिविल सर्विस एग्ज़ाम और इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम थ्रो या फिर मेडिकल कॉम्बाइन एग्ज़ाम थ्रो भी हो जाता है। तो इसके लिए आप लोगों को जो है UPSC क्लियर करना पड़ेगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो? वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल में अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल सके। तो दोस्तों, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय।